नमस्कार, वीरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ उसमें दिखाऊंगा डलहौजी में हुई जो स्नोफॉल, ये अभी तक इस साल की डलहौजी में सबसे हैवीस्ट, जो इस सीज़न की सबसे हैवीस्ट स्नोफॉल है। एंड ये बहुत, और अरे नहीं, ये है कि बहुत कम हैवीस्ट भी 2 से 3 इंचिस इन जनवरी, अदरवाइज ये लास्ट ईयर इसमें लगभग 2 से 3 फीट पड़ी थी, इस वजह 2 टू 3 इंचिस बर्फ पड़ी है। चलिए देखते हैं कितने सुंदर नज़ारे थे। तो ये सब नज़ारे देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल वीरा ब्लॉग्स, ताकि मैं जब भी नई अपडेशन लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आपको मुझे प्यार मिलता रहे। जनवरी की बात है, लोग दिन के 4 बज रहे थे। आई थॉट कि मुझे वॉक पे जाना है क्योंकि मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, बट स्नो थी तो स्नो पर मुझे रोका नहीं, मैं स्नो में भी चला। तो आप देख सकते हो ये लगभग 2 से 3 इंच में मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं स्नो में चल पड़ा, बर्फ़ में नज़ारे लेने, बर्फ़ के मज़े लेने। तो सदर बाजार की गलियों से होते हुए मेरे को कंपनी दे रहे हैं बुद्धि प्रकाश भैया, मेरे नेबर एंड चिकू साहिल। तो सदर बाजार की ये गलियों से होते हुए हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे जो कि सुभाष चौक की तरफ जा रहा है। सदर बाजार में बर्फ थोड़ा सा ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं चलती हैं और जो जो लोग भी चलते हैं वो कम थे, बट सुभाष चौक में काफ़ी ज़्यादा लोग चलते हैं तो जो रोड की बर्फ़ थी वो कम है। वी नो कि बर्फ़ बहुत कम हुई है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है बट एनी हाउ बर्फ़ है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं डलहौजी के फेमस सुभाष चौक में। यहाँ पे सुभाष जी का स्टैचू है इसलिए इसे सुभाष चौक कहा जाता है। आप देख सकते हैं पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल स्नो नहीं है, गर्म सड़क में देख रहे हैं, कहीं कहीं जगहों पे तो काफ़ी बर्फ़ है। अभी लगभग 3-4 बजे का टाइम है तो इतनी बर्फ़ अभी स्नोफॉल हुआ भी नहीं है। तो हम चले हुए आगे गांधी चौक की तरफ, पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ स्नो फ्लेक्स थी, इसमें ओलावृष्टि नहीं हुई है, सिर्फ स्नो फ्लेक्स है। तो इसने हर चीज़ को वाइट कर दिया है, आप देख सकते हो पेड़ पूरे वाइट हो चुके हैं। तो जो ये व्यू है ब्लैक एंड वाइट बहुत सुंदर लग रहा है, मनमोहक व्यू है ये। तो इन मोहन मनमोहक व्यू से मैं निकलता हुआ गांधी चौक की तरफ जा रहा हूँ। आप कहीं भी देख सकते हैं कि जो रोड है वो बिल्कुल वाइट नहीं है क्योंकि स्नो कम हुई है और ऊपर से इस रोड के ऊपर बहुत से पेड़ हैं, तो पेड़ ने वो कवर कर लिया स्नो और नीचे तक रोड पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं आई है। चलिए हम गर्म सड़क से होते जा रहे हैं। डलहौजी की 2 मेन सड़कें हैं जो कि फेमस सड़कें हैं, अंग्रेज़ों के टाइम से फेमस सड़कें हैं। एक है ठंडी सड़क जो भी सुभाष चौक टू गांधी चौक या गांधी चौक टू सुभाष चौक, और दूसरी है गर्म सड़क सेम सुभाष चौक टू गांधी चौक एंड गांधी चौक टू सुभाष चौक। अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो गर्म सड़क है उसमें धूप ज़्यादा रहती है, बर्फ़ कम पड़ती है और पड़ने के बाद पिघल भी जाती है, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन यहाँ पे धूप रहती है, ये काफ़ी वार्म रहती है सड़क। और इसके जो उल्टा ठंडी सड़क के सेम हाइट पे है बट उसके सामने पीर पंजाल रेंज है और इसके सामने गंजी पहाड़ी है। तो पीर पंजाल रेंज की ठंड वहाँ पे आती है, धूप कम होती है, ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे और पिघलती भी लेट है, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ठंड रहती है इसलिए उसे ठंडी सड़क कहा जाता है और इस सड़क को गर्म सड़क कहा जाता है। चलिए ये तो स्टोरी थी, अब मैं मार्केट में पहुंच चुका हूँ। तो मार्केट में देख सकते हैं कि सब कुछ वाइट होता जा रहा है, जो स्टॉल्स हैं वो लगभग बंद हैं क्योंकि विंटर सीजन है। डलहौजी में विंटर सीजन इज लाइक ऑफ सीजन, इट्स नॉट जैसे मनाली शिमला में विंटर सीजन में काफ़ी एक्टिविटी होती है, बट डलहौजी में कोई ऐसी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, गेम्स नहीं होती है, स्नो गेम्स नहीं होती हैं। तो विंटर्स में यहाँ पे टूरिस्ट कम आता है, बर्फ़ देखने के लिए लोग आते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, और इसलिए विंटर सीज़न यहाँ का ऑफ सीज़न कहा जाता है। इसमें टूरिस्ट कम होते हैं तो गैदरिंग भी लोगों की कम होती है। आई थिंक विंटर सीज़न में 31 के बाद जनवरी फरवरी में बहुत कम गैदरिंग रहती है, जब बर्फ़ पड़ती है उसके बाद ही टूरिस्ट आते हैं। चलिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं एक और फेमस चौक पे डलहौजी के, गांधी चौक में। सेम गांधी जी का स्टैचू है तो इसे गांधी चौक कहा जाता है, पर गांधी चौक और भी कई कारणों से फेमस है। ये वही चौक है जो 14 अगस्त 1947 को इस चौक पे
पाकिस्तान का झंडा लग गया था, जहाँ पे गांधी जी की स्टैचू है। नॉट यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे तो नहीं, पर ये जो पोस्ट ऑफिस है सामने, यहाँ पे बहुत छोटा पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, सामने पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं ये शेल्टर के पीछे, काफ़ी छोटा हुआ करता था। आई थिंक ये तो 2-3 फ्लोर ऊपर हो चुके हैं रोड लेवल से। तो इसके सामने एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पे ये झंडा लगा था पाकिस्तान का, और माना जाता है कि पाकिस्तान में आ भी गया था। मैं थोड़ा सा पंचपुला की रोड की तरफ गया कि देखते हैं कि और कितनी बर्फ है नीचे, क्योंकि ये पंचपुला रोड और जो DPS रोड है इसमें काफ़ी बर्फ होती है कंपेरेटिवली गर्म सड़क और गांधी चौक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बर्फ थी। अब मैं वापस मुड़ा तो बर्फ थोड़ी तेज हो गई थी, जाते टाइम थोड़ा कम कवर था वाइट, अब ज़्यादा वाइट कवर हो चुका था। आप देख सकते हैं ये जो फैंस लगी हैं बिल्कुल वाइट, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जो वायर्स जा रही हैं, केबल्स वायर जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही हैं, ये बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। जब और बर्फ पड़ेगी तो इसमें बहुत सुंदर शेप्स बन जाती हैं, तो सच में जब आप देखोगे तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देख के। ऐसे लगता है जैसे हम कार्टून की ज़िंदगी में चल चुके हैं, एक डिज्नी लैंड में जा चुके हैं, पर डिज्नी लैंड से तो काफ़ी सुंदर लगता है ये। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट डलाउजी कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हम वापस गांधी चौक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी बर्फ, थोड़ी देर में बर्फ बढ़ गई है, तो हार्डली हाफ इंच बढ़ चुकी है, और अब थोड़ी स्नोफॉल फास्ट हो चुकी है। आई डोंट नो आपको स्नोफ्लेक्स मेरी वीडियो में दिख रही है कि नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्नोफ्लेक्स का सामना करना पड़ा, मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे। क्योंकि जब भी बर्फ जमती है तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो टेम्परेचर में जमती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर -2 था, बट बर्फ़ में इतनी ठंड नहीं लगती है, बर्फ़ के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि बर्फ़ में क्लाउडी रहता है तो ठंड कम रहती है, बट आफ्टर क्लाउड्स ठंड बढ़ जाती है। चलिए हम वापस जाएंगे इसी रोड पे जिस रोड से हम आए थे, गांधी चौक टू सुभाष चौक बाया गर्म सड़क। तो आप देख सकते हैं आप गर्म सड़क कितनी सुंदर लग रही है। टूरिस्ट आके बहुत मस्ती भी कर रहे हैं, बर्फ़ का नज़ारा जो ये सुंदर तकनीक टूरिस्ट को तो कहाँ देखने को मिलती है। लोग आते हैं बहुत खुश होते हैं बर्फ़ पर बर्फ़, बट वी नो कि बर्फ़ के बाद की मुश्किलें। चलिए मुश्किलें आपको मैं बाद में गिनाऊंगा। तो होटल सनराइज़ यहाँ का एक फेमस होटल है, ये अपनी जो सर्विस उसके लिए तो फेमस है ही है, पर ये अपनी सीनरेटिक व्यू के लिए ज़्यादा फेमस है। नाम ही सनराइज़ है तो सनराइज़ व्यू यहाँ से दिखता है, और साथ में काफ़ी हाइट है, इसके नीचे बहुत जंगल, बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी हाइट पे ये। अब देख सकते हैं पेड़ बिल्कुल कवर हो चुके हैं वाइट। अब आपको इसकी हाइट दिखाता हूँ। अब बस मुझे डर था कि मेरा फ़ोन स्लिप होके नीचे नहीं गिर जाए, अगर मेरा फ़ोन हाथ से छूट जाता तो ये कभी वापस नहीं मिलने वाला था। अब देख सकते हो कितनी हाइट पे हूँ। ये सामने लोअर बकरोटा का व्यू है, और ये देखो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, और पेड़ों के बीच में कैसे एंट्रांस। चलिए मैं वापस गर्म सड़क से सुहाच जा रहा था, अब तो इतना वाइट हो चुका है, जितना आते टाइम तो इतना वाइट नहीं था, जाते टाइम तो इतना वाइट हो चुका था कि आई थॉट कि जाते टाइम मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैं रोक नहीं पाया अपने हाथों को और जाते टाइम भी वीडियो बनाना शुरू कर दी। चलिए मैं आपको बता रहा था मुसीबतें, क्योंकि विजिटर्स जो आते हैं उनके लिए तो डलहौजी में बर्फ़ देखना इज़ लाइक वाओ हेवन। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं यार ऋषभ यू लिव इन हेवन, इस ऐसी खूबसूरती को देख के तो झूठ कह जाते हैं कि हेवन, बट इसके बाद की जो मुश्किलें होती हैं वो सच में बहुत बुरी होती हैं, बहुत कठिन होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे रहते हैं। हाँ, बट अभी एक चीज़ हमें नोटिस कर रहे हैं ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग या हीट, जो अर्थ हीट बढ़ रही है। अर्लियर आई रिमेंबर एक ना बहुत बर्फ़ की ना जो कोहरा होता है, ब्लैक आइस होती है, तो जब रात को या दिन को बर्फ का पानी गिरता है नीचे को छत से, वो सुबह अगले दिन जम जाता था और बहुत एक वेपन टाइप की छुरी टाइप निकल जाती थी। अब हमें वो नहीं दिखती है। अर्लियर हमारे जो ये पानी है, पाइप्स का पानी है, जो रनिंग वाटर है हमारे जो वाटर टैंक से आता था, वो जम जाता था। हम बिल्कुल थोड़ा सा ना जो टैप वाटर है उसको थोड़ा सा रनिंग के लिए उसको बिल्कुल थोड़ा सा खुला छोड़ते थे रात को सोने से पहले, ताकि सुबह जमे ना। बट अब कई सालों से मैंने नोटिस किया है कि जमता ही नहीं है। इट शोज़ कि ठंड है, बर्फ़ भी पड़ रही है, पर वो ठंड नहीं है जो पहले ठंड हुआ करती थी।
यहाँ जनवरी 20th हो चुकी है और बर्फ लगभग सिर्फ 1-2 इंच बर्फ पड़ रही है। अदरवाइज नवंबर में इतनी बर्फ, जब मैं छोटा था तो नवंबर में इतनी बर्फ देखता था, अब बड़ा होने के बाद अब ये बर्फ देख रहा हूँ कि जनवरी 20th को 1-2 इंच बर्फ पड़ रही है। सुहास चौक का तो ये जो चर्च के सामने के पेड़ हैं, इट्स अ ब्यूटी ऑफ सुहास चौक और ये बहुत खूबसूरत है। तो जब मैं कंप्लेंट्स बताते बताते ब्यूटी को देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि ब्यूटी के आगे तो आपकी जवान बंद हो जाती है, आई एम श्योर। तो मेरी भी हो चुकी थी। तो ये था कि प्रॉब्लम तो काफ़ी होती हैं, आपके रोड्स बंद हो जाते हैं, बट अभी अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है कि रोड्स खुल जाते हैं जल्दी। JCPs ही होती हैं अभी तो, SDM सर अच्छे हैं कि प्री विंटर मीटिंग कराते हैं तो बहुत अच्छे से ये रोड्स साफ़ हो रहे हैं। बट स्टिल ये मेन रोड साफ़ होते हैं, जो स्ट्रीट रोड्स हैं जो हमारे घरों के आसपास के रोड हैं उसको टाइम लगता है, वो प्रायोरिटी में मेन रोड होते हैं तो हमें कई मुश्किलें फेस करनी पड़ती है क्योंकि समटाइम्स स्नो के बाद ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ऐसे में कई पेशेंट बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल आना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो मुश्किलें हैं बर्फ़ की, जहाँ एक तरफ खूबसूरती हैं तो मुश्किलें भी हैं क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक खूबसूरत रहता है और एक बदसूरत रहता है। हम खूबसूरत पहलू को भी देखते हैं और बदसूरत को भी देखते हैं और दिस इज़ यही लाइफ है। लाइफ के भी दो पहलू हैं, सुख दुख, तो बर्फ के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो शाम के टाइम मैं पहुँच चुका हूँ वापस होटल सागरिका के पास कोटवट, फिर देन मैं अपनी ट्यूशन गया और रात को वापस जा रहा हूँ। बर्फ बिल्कुल रुक चुकी है ऑलमोस्ट और अब मैं इस बर्फ में फिसलता हुआ घर को पहुँचूंगा क्योंकि स्लिप करती है बर्फ और अब मुझे जाना है तो एक स्लांट रोड से जाना है नीचे घर की तरफ। बट ये रात को बहुत सुंदर लग रहे हैं पेड़, तो आप देख सकते हैं मेरे घर को जो रास्ता है ऑलमोस्ट बिल्कुल वाइट है, कवर है। अगर रात अभी थोड़ी सी बर्फ़ फिर से शुरू हो गई थी, अगर रात को मौसम साफ़ हो जाएगा तो सुबह ये बिल्कुल ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा और बहुत सी स्लिपरी होगी। पर अगर रात को क्लाउड्स होंगे तो सुबह ये नरम ही रहेगा। तो आई विश कि रात को क्लाउड्स रहे, सुबह ये नरम रहे और दिन में पिघल जाए। अगर रात को क्लाउड नहीं हुए, मौसम साफ़ हो गया तो बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा ये, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता तब। और दिस इज़ दी माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेज अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।